PMO News coming in, and this again has got to do with the Ankita Bhandari murder case. This is an India Today exclusive news break. Audio conversations after Ankita went missing. Ankita's friend called accused to inquire. Accused claimed Ankita was back in the resort. Then the accused tries to mislead Ankita's friend. He pushed. We're just getting our viewers the audio conversation between the pushed fan, the accused Pulkit Arya in this case, where the friend called Pulkit to ask about Ankita Bhandari, and Pulkit Arya then misled the friend of Ankita Bhandari, Deep Push. The accused in this conversation tries to mislead Ankita's friend. Listen in to this telephonic conversation. एक बार बताइए, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था रात को। हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी? अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए भाई। देखो अगर आपका फोन उनके पास और मैं तीन बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे क्या आपने? हाँ, आपके फोन पे तो मेरा फोन भी घंटी बजी। हाँ जी, और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये रात तो पॉसिबल, ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा, देखिए जब आप बाहर थे ना, हाँ, तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में, और मैंने रिसोर्ट में अपना वही रुका, सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक ना। अभी नहीं मिला फोन मेरा? नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा, भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिसोर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह क्या रहा? सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं, चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी चलते है। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप मुझे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात होगी? नहीं, चलो मैं चलती हूं। नहीं, 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 नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप, और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। कल वो क्या बोलते हैं, कल शाम को भी वो यूं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, वो तो मेरे को बोला था उन्होंने कि मैं थोड़ा ऐसे परेशान हूँ, मेरे को बोला उसने कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा तू कहाँ जाएगी? कह रही मेरे को कुछ पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं भी जा रही हूँ। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है बता मेरे को? बस कुछ माइंड अपसेट था, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रात को। मैंने कहा यार देखो, ये हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है, ठीक है। मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर दो अच्छे काम कर सके, तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है? क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टर्बेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है, आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। 2-3 बार तो मैंने आपको ये बात बोली। मैंने गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑन दैट स्टोरी, जॉइनिंग अस फ्रॉम ऋषिकेश राइट नाउ अरविंद ओझा। इस कॉन्वर्सेशन में ये साफ है कि पुलकित आर्या ने आखिर मोमेंट तक
अंकिता भंडारी के फ्रेंड को मिसलीड करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, और पुलकित आर्या ने सोचा था कि वो परफेक्ट क्राइम कर रहा है, क्योंकि जो अंकिता है उसको नहर में फेंक दिया गया था, नहर काफी डीप है, इस वजह से डेड बॉडी मिलेगी नहीं। और ये जो कन्वर्सेशन है, ये आपको बताऊं, सिर्फ 10 बजे की, यानी अंकिता का जब मर्डर हुआ था उससे ठीक एक घंटे बाद की एक बातचीत है, जिसमें जो पुष्प, जिसका चैट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया था पहले, वो पुष्प पूछ रहा है पुलकित आर्या से, जो मर्डर का मास्टरमाइंड है, कि अंकिता कहां है, जिसके बाद वो एक के बाद एक झूठ बोलता चला जा रहा है। न सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि मिसलीड कर रहा है, और यहां तक कह रहा है कि पुष्प कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं, यानी अंकिता के दोस्त को ये बात वो बोल रहा है कि तुम्हारे साथ ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा झूठ उसने ये बोला कि रिजॉर्ट में रात तक अंकिता थी, और जो फोन पुलकित जो मास्टरमाइंड है उसने अपना फोन अंकिता को दिया था। सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि वो फोन दरअसल जब अंकिता का मर्डर किया जा रहा था उस दौरान झड़प हुई थी, और उस दौरान वो फोन नहर में गिर गया था। बहुत मुमकिन है कि पुलकित ने उस फोन को कहीं ना कहीं ठिकाने भी लगा दिया हो, क्योंकि उससे फोन से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऑडियो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है ये साफ बताता है कि किस तरह का क्रिमिनल माइंड है पुलकित का, जिसके फादर बीजेपी के लीडर थे, उनको अभी निकाला गया है इस हत्याकांड के बाद, किस तरीका का क्रिमिनल माइंड है कि वो एक मर्डर करता है और वो सोचता है कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, खुद पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन रजिस्टर कराता है, और जब उससे अंकिता का फ्रेंड पूछता है तो किस तरीके से मिसलीड करता है, ये ऑडियो टेप उस बात का खुलासा करता है। अरविंद ओझा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद हैज ऑल ऑफ दोज डिटेल्स द बिग स्टोरी इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन बिटवीन पुलकित आर्या द मेन अक्यूज इन दिस केस एंड द फ्रेंड ऑफ लेट अंकिता भंडारी।